होमोसेक्सुअलिटी की वजह से शादी खतरे में आ गई, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, में मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा संकल्प है और आप भी उसमें हमारे साथ में पार्टनर बनिए, कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए हमारे ये काम में, ऐसा आपसे रिक्वेस्ट है। एक अभी लड़का मेरे पास में आया, अभी अभी शादी हो गई 15 दिन पहले, और शादी होने के बाद में वो उसका अपने पत्नी के साथ में कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, मतलब उसको इरेक्शन नहीं आ रहा। अब मैं उसको बहुत डरा हुआ, क्या हो जाएगा, अभी 8 दिन हो गए और बिल्कुल ही मतलब संपर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं हो रहे और इरेक्शन नहीं हो रहा है, और उसको डर लग रहा है कि अभी ये तो खतरा हो गया, पत्नी छोड़ के जाएंगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, क्या हुआ। तो बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता, मतलब अपोजिट सेक्स के तरफ इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे इंटरेस्ट है सेम सेक्स के तरफ, और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ मतलब ये है इस तरह का, ये मुझे उसका एहसास ही नहीं हुआ शादी के पहले। मतलब मेरा इंटरेस्ट था लड़कों के तरफ, उनके साथ में बैठना उठना, और मैं जब हमारे दोस्तों को मिलता हूँ तो उसको बार बार गले लगाएंगे, उससे ऐसा फिजिकल तो फिजिकल टच करेंगे, मतलब ऐसा था। बोले मैंने कभी सेक्स नहीं किया, मगर मेरा हरदम उनके संपर्क में आना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये अभी बोले मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, उस समय कभी मुझे लगा ही नहीं, और अभी शादी हो गई तो मुझे लड़की के तरफ मतलब पत्नी के तरफ कुछ आकर्षण ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ करूँ ही नहीं, और मुझे लगता है कि नहीं अभी मैंने दोस्त मेरे गंवा दिए, जिनके साथ में मैं उठता बैठता था, जिनके साथ में बातचीत करता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो अभी मुझे एहसास हो रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी मुझे एहसास हो रहा है कि मैं होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन मेरा है, हालांकि कभी मैंने सेक्स नहीं किया किसके साथ में, मगर होमोसेक्सुअलिटी मुझे ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे आप इसमें मदद करो। अभी मेरे पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 8 दिन हो गए पत्नी के साथ में संपर्क भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, और अभी वो थ्रेट कर रहे हैं कि भी मैं छोड़ के जाऊँगी, और वो जाएंगे और मेरा नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे, फैमिली बदनाम हो जाएगी, अभी कुछ तभी करो। मेरा बिल्कुल इंक्लिनेशन नहीं होता, उसको हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती, एक्चुअली मुझे वो कमरे में जाने की भी इच्छा नहीं होती, बोलते इतना है। होता है कि देखो प्रॉब्लम यह है कि वो उसका होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन है और इस तरह का उसका ओरिएंटेशन है उसको मालूम ही नहीं। अब शादी तो कर लिया, अब मैंने बोला कि ठीक है अभी ऐसा करते हैं, अभी तुरंत आप अभी इमरजेंसी में आए हो, अभी पहले आपको मैं आपको मेडिसिन देता हूँ कि ताकि आपका पहले फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सके, भले आपकी इच्छा नहीं मगर कुछ ना कुछ आप जनरेट करो। मैंने उसको कुछ ऐसे मतलब ऐसे मेथड बताया कि जिसके वजह से वो अपना इंटरेस्ट जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा सामने वाले पार्टी के इसमें, मतलब सामने वाले उसके साथ में जो पार्टनर उसके साथ में, कि जो उसका इंटरेस्ट मतलब थोड़ा जनरेट करेगा, और उसको मैंने कुछ मेडिसिन दिया और वो मेडिसिन देके उसका इरेक्शन हो जाएगा, ऐसा मैंने उसको बोला। समझे मेडिसिन काम नहीं करती है, तो फिर हमने देखा कि अभी ठीक है उसको इंजेक्शन पेपेवरिन देंगे। मेरा इंटेंशन ये है कि कैसा भी करके अभी जो इमरजेंसी में आया है तो उसका पहले इरेक्शन होना चाहिए, और इरेक्शन होकर उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट उसके पत्नी के साथ में होना चाहिए, ताकि अभी जो इमरजेंसी लगी हुई है कि अभी वो बोलती है कि मैं जाऊंगी, अभी आपने कुछ नहीं किया तो वो पहले अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब अभी फायर फाइटिंग पहले करो। तो उसको मैंने फिर पहले मेडिसिन दिया, मेडिसिन से काम नहीं हुआ, फिर उसको बोला ठीक है मन पेपेवरिन इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन पेपेवरिन देके उसका 2 दिन के बाद में संबंध हुआ। बोले ठीक है जितना चाहिए उतना नहीं हुआ मगर हुआ। बोले मैंने उसको एक्साइटमेंट जनरेट करने के लिए भी उसको मैंने कुछ बताए थे तरीके, तो वो भी उसने अपना पेपेवरिन का भी इंजेक्शन है और वो करके उसका सेक्स हो गया। बोले ठीक है अभी तो ये इमरजेंसी थी कि वो बिल्कुल ही जाना चाहती थी, अभी वो मामला ठीक हो गया, अभी हमको क्या करना है। अभी मैंने बोला कि अभी आपका जो ओरिएंटेशन है उसके ऊपर काम करेंगे। उसके लिए फिर मैंने प्रपोज किया कि आपको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है होमोसेक्सुअल इसमें। बोले बिल्कुल ही नहीं, मेरे को मैंने कभी किया भी नहीं है। बोले आपको पक्का ये है कि नहीं आपको ये शादी कंटिन्यू करना है। बोले बिल्कुल करना है। बोले ठीक है फिर अभी वो जो पैटर्न्स बने ब्रेन पैटर्न्स होमोसेक्सुअलिटी के, वो हमको बदलने पड़ेंगे, नए ब्रेन पैटर्न क्रिएट करने पड़ेंगे। और जब नए ब्रेन पैटर्न क्रिएट करने पड़ेंगे तो ऐसा कुछ एक दिन का काम नहीं है, बार 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 हैमरिंग करना पड़ेगा, बार 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 एक्शंस करनी पड़ेगी, कृति में लाना पड़ेगा, तो ब्रेन पैटर्न नए तैयार होंगे। तो उसको मैंने उसके लिए काउंसलिंग किया, उसके लिए हिप्नोथेरेपी उसको बताया, विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन के तरीके उसको बताया, और साइकोथेरेपी उसको किया, और उससे फिर धीरे 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 उसके इसमें फर्क पड़ गया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग बायसेक्सुअल होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि होमोसेक्सुअल भी नहीं और बाय मतलब उनको मालूम ही नहीं था कि अपन हेटरोसेक्सुअल है नहीं है, मतलब ये ऐसा ये है मतलब क्या बोलते हैं उसको कि ग्रे एरिया है, उसको मालूम ही नहीं था, इनको हम बायसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं। तो इसलिए लोगों को शेयर करो ताकि लोगों का एजुकेशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।